सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो लेक्चर है कैथारसिस अरिस्टोटल्स कैथारसिस। तो लाइफ में पहले मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि लाइफ अरिस्टोटल की रही है 384 से 322 बीसी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अरिस्टोटल ने क्या क्या किया और उनके बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम अरिस्टोटल के जितने वर्क हैं वो यहां पर लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे अरिस्टोटल की चीजों पर। तो अरिस्टोटल के मेजर जो क्रिटिकल वर्क हैं, एकदम आप क्लियर कर लीजिए माइंड में, मेजर वर्क्स जो हैं वो है नंबर एक पोएटिक्स, नंबर दो हमारा फोकस क्योंकि कैथारसिस पे है तो हम इसको हल्का लेंगे, अगर हमारा फोकस क्रिटिसिज्म पे होता तो हम इसको ज्यादा गहरा लेते, रेटोरिक। दो चीजें इसकी सबसे मेजर हैं, इन्हीं पे बात करते हैं, पोएटिक्स एंड रेटोरिक। तो ये सबसे ज्यादा मेन मानी जाती है। और अरिस्टोटल जो है उसकी एक एकेडमी थी, एकेडमी जो है डिवोटेड थी, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज होती हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, स्पेक्युलेटिव है, पॉलिटिकल फिलोसफी है, बायोलॉजी है, साइंस है, आर्ट है, सब चीजों के लिए उसकी एकेडमी डिवोटेड थी। अब अगर हम उनकी राइटिंग की बात करें तो अरिस्टोटल की राइटिंग इतनी ज्यादा है कि टोटल राइटिंग्स कहें तो ओवर 400 वॉल्यूम्स चला जाती हैं, इतना ज्यादा अरिस्टोटल लिख के गया है। और उन्होंने लगभग 20 अच्छे साल जो है प्लेटो के अंडर शिष्य रह के बिताए, अपनी एकेडमी एस्टेब्लिश करने से पहले। और आज तक के मॉडर्न जो है फिलोसफर्स और विद्वान मानते हैं कि ऐसा जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट और इतने ब्रिलियंट टीचर के द्वारा गाइडेड कोई फिलोसोफर या क्रिटिक नहीं हो सकता। और हम ये जानते हैं कि अरिस्टोटल ने जो है एक और चीज को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अरिस्टोटल के लिए है कि ही ट्यूटर्ड, उसने ट्यूशन पढ़ाया था, उसने नॉलेज दी थी, ही ट्यूटर्ड जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर महान का ये ट्यूटर रहा है अरिस्टोटल, ठीक है। और वो ना सिर्फ एकेडमिशियन था, एक बहुत मैन ऑफ लेटर जिसे कहते हैं, नॉलेजेबल नेचुरलिस्ट रहा है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये जो हमारे सबसे मॉडर्न पोएट में जो सबसे महान पोएट्स माने जाते हैं टी एस इलियट ने अरिस्टोटल पे एक रिमार्क किया है और वो आप पूछा जाता है, तो टी एस इलियट कहते हैं अरिस्टोटल को ही इज अ परफेक्ट क्रिटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मैं आपके लिए एक स्टार बना दे रहा हूं, टी एस इलियट सेज दैट अरिस्टोटल इज अ परफेक्ट क्रिटिक, ठीक है। अरिस्टोटल अपने पूरे फिलोसॉफिक करियर को और अपने पूरे क्रिटिसिज्म के करियर को, पूरे डेवलपमेंट को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने गुरु प्लेटो को समर्पित करता और कहता है कि जितना भी ज्ञान मैंने लिया है प्लेटो से लिया है। और वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो प्लेटो और उनके बीच डिस्कस होती है उनको अपने जितनी भी पीस ऑफ राइटिंग्स है उसमें डिस्क्राइब करके गए हैं। और कहीं कहीं पर यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि प्लेटो और अरिस्टोटल में देयर व्यूज आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों के व्यूज एक दूसरे के खिलाफ हैं कई एक जगह पे, ठीक है। और अरिस्टोटल को जानने वाले और उसके इंटरप्रेटर जो हैं वो अरिस्टोटल के लिए एक उसके वर्क के लिए एक टर्म यूज करते हैं, और वो वर्क के लिए क्या यूज करते हैं बता दूं, क्रिटिक यूज अ टर्म, बिल्कुल चुने हुए मोती आपको दे रहा हूं, क्रिटिक यूज अ टर्म फॉर द वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल। और वो कहते हैं कि हिज वर्क्स आर
एक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक कहते हैं अरिस्टोटल के वर्क्स जो है एक्रोमैटिक है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भैया एक्रोमैटिक क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि एक्रोमैटिक का मतलब क्या कहना चाहते हैं क्रिटिक। तो एक्रोमैटिक ये होते हैं, इसका मतलब होता है ईच वर्क ऑफ हिज कैन नॉट बी कंप्लीटली अंडरस्टूड विदाउट द एड ऑफ अदर वर्क्स। कितना शानदार है देखो, कि कोई भी उसका एक वर्क जो है वो उसके दूसरे वर्क की हेल्प के बिना नहीं समझा जा सकता। यानी वर्क नंबर वन कैन बी ओनली अंडरस्टूड व्हेन यू हैव आल्सो गॉन थ्रू वर्क नंबर टू, और वर्क नंबर टू कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड वर्क नंबर वन। इट मींस दे आर इंटर रिलेटेड लाइक योर बॉडी पार्ट्स। जैसे आपके बॉडी पार्ट्स एकदम एक दूसरे के रिलेशन और हार्मनी में चलते हैं, वैसी इनके वर्क हैं एक्रोमैटिक। तो ये बहुत शानदार टर्म है, और एक्रोमैटिक का मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दैट ईच ऑफ हिज वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटली अंडरस्टूड विदाउट द एड ऑफ अदर। किसी का माइक खुला हुआ है वो अपना माइक बंद कर लें, ठीक है। तो विदाउट द एड ऑफ अदर, प्लीज स्विच ऑफ द माइक, विदाउट द एड ऑफ अदर। तो एक्रोमैटिक वर्ड समझ में आ गया सबके कि क्या मतलब है एक्रोमैटिक? यस सर। अब बात आती है कि अरिस्टोटल ने बेसिकली कुछ प्लेटोस के व्यू को पूरी तरह खारिज किया, ठीक है। और अरिस्टोटल के जो व्यू थे वो प्लेटो के व्यू को खारिज करते थे, तो वो मेजर जो उनका एक डिफरेंस का पॉइंट था वो था पोएट्री, ठीक है। प्लेटो पोएट्री को वाहियात चीज मानता था, ठीक है। और प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में लिखा था कि मैं पोएट्स को अपने रिपब्लिक में कोई जगह नहीं दूंगा। तो मैं खाली आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि डिफरेंसेस जो थे दोनों के, डिफरेंसेस अरिस्टोटल वर्सेस प्लेटो, उनका जो कॉमन पॉइंट था वो था पोएट्री, ठीक है। प्लेटो पोएट्री को हेट करता था और अरिस्टोटल सपोर्ट करता था। तो ये तो हम जो है क्रिटिसिज्म के ही चैप्टर में जाते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स पे ये लोग आपस में डिफरेंस क्रिएट करते थे, लेकिन मैं आपको क्योंकि कैथारसिस में ले जाना है तो एक हल्का सा आइडिया दे दे रहा हूं कि किन पॉइंट्स पे करते थे। कि बेसिकली प्लेटो कहता था कि पोएटिक जो पोएट्री के लोग, जो पोएट्री लिखने वाले लोग होते हैं, वो किसी तीसरी ताकत से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर अचानक से कोई सडनली कुछ इंस्पिरेशन आती है और वो जो सडन आउटपोरिंग होती है वो लिख डालते हैं। अब वो ना तो किसी लॉजिक पे हमने कसी है, ना कसौटी पे कसी है, और ना हमने उसे चेक करके देखा है, ना उसके बारे में हमें पता है वो सही है नहीं है। इसलिए ये एक बिल्कुल इलॉजिकल चीज है पोएट्री। दूसरा वो कहता था बहुत ही इमोशनल अपील होती है, और इमोशनल अपील का मतलब होता है पोएट्री कभी दिमाग को अपील नहीं करती है, दिल को अपील करती है। और इमोशंस जो होते हैं वो हमारे शरीर में सिर्फ इम्पल्सेस होते हैं, इम्पल्सेस की वजह से होते हैं, यानी कोई मोमेंट में अचानक से आते हैं, अचानक से जाते हैं, जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं है। तो इसलिए पोएट्री सिर्फ क्या बनाती है हमें, इम्पल्सिव, सेंटिमेंटल, इरेशनल, इनएक्टिव। क्योंकि जब भी पोएट्री हमें आती है तो इलॉजिकल हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं, कहता है, ठीक है। तो अरिस्टोटल ना प्लेटो भी अपनी ओर से एक लॉजिकली साउंड करता है कभी कभी। अगर आप कॉलेज लाइफ में चले जाओ तो जितने भी लव अफेयर होते हैं और जितनी भी पोएट्री कही जाती है, तो उस समय सब लोग दिल से सोच रहे होते हैं या दिमाग से? बोलो, दिल से। दिल से। और फिर उनके जो है ये सॉन्ग सुने जाते हैं, जो सैड होता है वो सैड सॉन्ग सुनता है। ये सब इमोशनैलिटी का एक गहरा जाने का
तरीका है, वो भी यही कहना चाहता है। और वो ये कहता है कि इरेशनल हो जाता है व्यक्ति, तो अगर आप इस तरीके से नापो कि जब कोई अफेयर में पड़ जाता है उसको कितने ही बड़े समझाते हैं, माँ बाप समझाते हैं, कुछ भी वो नहीं समझता। उस समय उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि रूखी सूखी खा के गुजारा और झोपड़ी में रह लेंगे। बोलो, सुने ऐसे डायलॉग? यस सर। और जब रियल में जिंदगी में आती है तो फिर त्रस्त हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार सही कहते थे वो पार के बूबू जो है, वो सही कहा करते थे, और पहले ही असल मान लिया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता, ये कुछ नहीं होता। तो ये कहता था प्लेटो की भैया ऐसा ही इमोशनल अपील होती है इसमें, तुम्हें इलॉजिकल बना देती है पोएट्री, खाली एक आइडिया दे रहा हूँ। तीसरा वो कहता था ये पोएट्री का करेक्टर जो है नॉन मॉरल है, पोएट्री मॉरलिटी से बिल्कुल कंसर्न नहीं होती है। पोएट्री के अंदर आपके अवगुणों को भी बहुत हाई पे रख दिया जाएगा और गुणों को भी ग्रेट दिखा दिया जाएगा, ठीक है, और एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर जीत भी दिखा देंगे। कोई मॉरल कंसिडरेशन नहीं है पोएट्री में, कहता आप गलत चीज के लिए भी एक शानदार पोएम लिखेंगे तो वो भी उतनी सराही जाएगी, ठीक है। तो कहता है पोएट्री का अपना मॉरल करेक्टर नहीं है। तो अगर मैं हल्का सा एक आइडिया देने के लिए लिख दूं तो इनके डिफरेंसेस क्या थे, प्लेटो क्या किस चीज को कहता था, प्लेटो के ओपिनियन क्या थे, खाली एक लाइन पे लिखूंगा वो आपको खुद ही याद आ जाएगा। प्लेटो के ओपिनियन नंबर एक थे पोएटिक इंस्पिरेशन को लेके, जो मैंने बता दिया कि पोएट्री अचानक से इंस्पायर होती है किसी म्यूज के द्वारा, किसी सडन इम्पल्स के द्वारा। इमोशनल अपील है इसमें ज्यादा, जो हमें इलॉजिकल बना देती है। और तीसरा ये कहता है, मैं मेजर बता रहा हूं, ये नॉन मॉरल करेक्टर की है, इसमें मॉरलिटी कुछ नहीं है, ये अवगुणों और गुणों दोनों के लिए लिखी जाती है बड़े शानदार तरीके से। अब अरिस्टोटल इसको बिल्कुल खारिज कर देता है और अरिस्टोटल जो है इसको सपोर्ट करता है। अरिस्टोटल इसको सपोर्ट करता है, कहता है एक तो इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन, और दूसरा कहता है एस्थेटिक प्लेजर, इसका भी एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा अभी। क्या? ये माइक बंद कीजिए। इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन का मतलब है आदमी को इमिटेशन का यानी कि नकल का जन्मजात स्वभाव है आदमी का, ठीक है। आप अच्छे गाने की नकल करते हैं कि नहीं, अच्छी धुनों की नकल करते हैं कि नहीं, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल इमिटेशन पे। अगर आप गौर से देखिए, आप कौन से कपड़े ज्यादा खरीदते हैं बताइए, जो आपने कहीं देखे हो या आपको देखने के बाद पसंद आ गए हो, बोलिए है कि नहीं। यस सर। कौन सा गाना आप ढूंढते हैं जब आप किसी को सुनते हुए देखते हैं या किसी के पास देखते हैं, कौन सी चीज आप लेक्चरर एलटी की तैयारी भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरत है और आपने देखा कि लोग निकल रहे हैं और हम भी वही करेंगे जो लोगों ने किया। आप मेरे पास क्यों आए, क्योंकि आपने देखा कुछ लोग यहाँ निकले हैं करके, तो हम भी निकलेंगे। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं। Yes, sir. तो मैन के अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि वो नकल करता है, ठीक है, और वो कहता है इन्हीं इंस्टिंक्ट से तो अरिस्टोटल कहता है पोएट्री निकलती है। तो कहता है पोएट तो एक इमिटेटर है, हाँ बिल्कुल है, और वो कहता है और पोएट इंस्टिंक्टिवली तीन चीजों को इमिटेट करता है, एक वो जो चीजें जैसी हैं वैसी ही इमिटेट करता है, ठीक है, या फिर वो इमिटेट करता है जैसी चीजें कही गई हैं, ठीक है, या होनी चाहिए। तो तीन तरीके से वो इमिटेट करता है, या तो जैसी चीजें हैं वैसे ही इमिटेट कर देगा उसे, ठीक है, या जैसी कही गई हैं वैसे ही इमिटेट कर देगा, और या फिर जैसी चीजें होनी चाहिए वैसी करेगा। समझ रहे, तीनों में अंतर। थिंग्स एज दे आर, मान लिया आपने एक बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी देखी, आप अच्छे पेंटर हैं, आप वहीं पर लगाया अपना कैनवस और शुरू हो गए, तो आपने पहला वाला किया थिंग्स एज दे आर, समझ गए? बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, दूसरा थिंग्स एज आर सैड, आपने लोगों से सुना कि ऐसी ऐसी चीजें कही गई हैं, तो आपने उसे इमिटेट करके कि स्टोरी लिख डाली, ठीक है,
आपने माइथोलॉजिकल कोई टेल सुनी, उस पे एक स्टोरी क्रिएट कर दी, तो थिंग्स एज आर सेड, क्लियर है? यस सर। एक है थिंग्स एज ऑट टू बी, जैसी चीजें होनी चाहिए। आपके माइंड में भी कुछ चीज है समाज को लेके या कुछ चीजों को लेके, आपने उस पर एक नॉवल लिख डाला, तो थिंग्स एज ऑट टू बी, ठीक है? और वो चीजें कहां से इमिटेट करके लिखी आपने? समाज से। लेकिन उसमें आपने ये जरूर जोड़ा कि ये कैसी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से इंप्रेशन होता है कि ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो आप इमिटेट नहीं कर पाते। हम वही सोच पाते अनुभव में जैसा हमें एक्सपोजर होता है या जैसा हम गुजर चुके होते हैं, देखते हैं। तो वो कहता है हमारे आदमी की जो इंस्टिंक्ट है वो है इमिटेशन, ठीक है? तो वो कहता है वो एक क्रिएटर है, और वो ना सिर्फ कोई चीज को नकल करता है, ये तो नकल करने की बात है, बल्कि वो इनको रिक्रिएट करता है, ही रिक्रिएट्स। तो ये एक क्रिएशन की प्रोसेस है, ठीक है? और वो कहता है कि इस तरीके से पोएट्री इसलिए फिलोसॉफिकल भी है और एक नोबलर क्रिएशन है, महान क्रिएशन का काम है, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। अगर वो कहता है कि ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है, तो ये बता दूं, वो कहता है कि वो वहीं पर आसपास की रियल चीजों को और उसको देख के ही उसने पोएट्री को लिखा है और रिक्रिएट किया है अपने हिसाब से। फिर वो कहता है क्योंकि ये इंस्टिंक्ट से आती है, और आदमी का इंस्टिंक्ट सिर्फ एक है सदियों से, ठीक है? वो है कि वो इमिटेशन करता है मेलोडी का, एस्थेटिक प्लेजर का, ठीक है? तो इसलिए अरिस्टोटल कहता है कि हर आदमी ये चाहता है कि वो एस्थेटिक प्लेजर को फील करे, ठीक है? तो आप कोई भी चीज को जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो आपको पसंद है, जिसे आप एंजॉय करते हैं, आप एंजॉय क्यों करते हैं? बिकॉज यू आर ड्रॉइंग एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर विच कैन नॉट बी डिफाइंड। आप जानते हैं कि आपने गाना सुना और गाने की लाइन्स आपको बहुत अच्छी लगी, तो जब वो गाना दोबारा सुनते हैं तो उस समय सब चीज छोड़ छाड़ के भी आप उस गाने को सुन के उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग एस्थेटिक प्लेजर ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सॉन्ग। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? Yes, तो वो कहता है कि पोएट्री ना सिर्फ फिलोसफी को जोड़ती है बल्कि मोरालिटी को भी जोड़ती है, और इमोशनल अपील के लिए वो कहता है कि इमोशनल अपील है, बिल्कुल प्लेटो साहब हम मानते हैं कि इमोशनल अपील है, क्यों ये होनी चाहिए, वो कहता है, क्योंकि किसी भी इंसान में अगर सेंसिबिलिटी होनी है, उसे सेंसिबल बनाना है, उसे ह्यूमैनिटी, ह्यूमन फीलिंग्स को जो है समझने वाला बनाना है, तो उसको इमोशनल अपील होना चाहिए। इसलिए इमोशनल अपील होने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से अरिस्टोटल यहाँ पर उससे डिफर होता है। मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का, ठीक है? अब जो है हमारे टॉपिक पे अब हम चलेंगे। तो मैं पहले कुछ कुछ बड़े शानदार फैक्ट दे देता हूं आपको, बस वो बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो कैथारसिस है वो अरिस्टोटल की पोएटिक्स नाम के वर्क में आता है, पोएटिक्स। तो कैथारसिस अपीयर्स इन दिस, ठीक है? तो ये जो जिस वर्क में आता है उसका नाम है पोएटिक्स। अब दूसरी चीज क्या है कि जो पोएटिक्स है अरिस्टोटल की, वो एक ऐसा टेक्स्ट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए पूरा लॉस्ट हो गया था, खो गया था बहुत लंबे समय तक। बाद में इसको मिडिल एजेज में रिस्टोर किया गया और एक अरेबिक ट्रांसलेशन किया गया, उसका लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ एन अरेबिक वर्जन, एक अरब का वर्जन मिला, उसका लैटिन ट्रांसलेशन किया एवोरिस ने, ठीक है? तो सर माइक ओपन है, मिला, कोई बोल रहा है, ये बंद करें माइक। तो इसका जो पोएटिक्स का एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, एक्यूरेट ग्रीक ट्रांसलेशन,
ग्रीक से लैटिन ट्रांसलेशन, ग्रीक से लैटिन ट्रांसलेशन जिसने किया है उसको आप जरूर लिख लीजिए, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियम ऑफ मोरबीक, एम ओ आर एम ओ ई आर बी ई के ई, इन्होंने इसका ग्रीक लैटिन ट्रांसलेशन किया था 1278 में, बहुत सालों बाद, ठीक है। दूसरा, जो पोएटिक्स था वो डिवाइडेड था टू टेक्स्ट में, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, और इन टेक्स्ट में जो है ये क्या की थी, पेपिरस रोल में लिखे हुए थे। पेपिरस रोल मैंने पहले ही बताया कि उन दिनों पेड़ों को और खाल को सुखा के और उन चीजों को जो है रिफाइन करके उस पर लिखा जाता था, क्योंकि पेपर नहीं था, ठीक है। तो अब क्या है, जो पहला टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट बेसिकली वो डिफाइंड करता है ट्रेजेडी और एपिक को, वो वाला तो हमें अवेलेबल है, और टेक्स्ट टू जो माना जाता है वो कॉमेडी पे माना जाता है और वो गायब है, इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इसलिए सेकंड पार्ट जो उसका है, आप टेक्स्ट टू कह लो या पार्ट सेकंड कह लो पोएटिक्स का, वो कॉमेडी पे बेस्ड था और वो अभी तक लॉस्ट है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लॉस्ट सेकंड बुक का कुछ पार्ट मिला है, उसको हमने कुछ इस नाम से जाना है, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा डीप लेवल है नेट का। और पहला पार्ट जो है वो ट्रेजेडी और एपिक पे वो अवेलेबल है, तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जो पोएटिक्स हमारे पास है उसमें ट्रेजेडी और एपिक की बात की गई है, ठीक है, अरिस्टोटल के। बोलो इतना क्लियर है? यस सर। उसके बाद आते हैं अब जो हमारा टॉपिक है उसको अब हम स्टार्ट करेंगे, और जो कैथारसिस है, देखो बिल्कुल आपके लेक्चरर के लिए दे रहा हूं एकदम पिन पॉइंटेड, बहुत शानदार, जिसपे पक्का क्वेश्चन आएगा। कैथारसिस वर्ड मैंने यहां पर स्पेलिंग को सी लिखा है, आप के भी लिख सकते हैं, के लिखते हैं ज्यादातर कैथारसिस, ठीक है। जो कैथारसिस वर्ड है, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि पोएटिक्स में कैथारसिस वर्ड जो है जिसमें ये डिस्क्राइब है कितनी बार आया है, तुम में से कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन आएगा देखो लेक्चरर में, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे ही पॉइंट आपको मैं एक डेमो दे रहा हूं कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे पास। कैथारसिस अकर्स ओनली टू टाइम्स इन पोएटिक्स, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कैथारसिस वर्ड पोएटिक्स के अंदर सिर्फ दो बार आया है, यह है क्वेश्चन, ठीक है। और कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, कोई अरिहंत की किताब का नहीं है, कोई किसी किताब का नहीं है, इतनी शानदार किताब का है कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जो वेल रिसर्च बुक्स होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत शानदार है, आपके पूरे आने के चांसेस, ठीक है। दूसरा कि कैथारसिस पोएटिक्स में, पहले ही मैं यहां पर बता देता हूं दूसरे क्वेश्चन के रिलेशन में कि पोएटिक्स के अंदर टोटल 26 चैप्टर्स हैं, वो डिवाइडेड है, अलग अलग थीम डिस्कस होते हैं इनमें। तो अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो कैथारसिस है वो कौन से चैप्टर में आता है, तो चैप्टर नंबर 6 में आता है कैथारसिस, ठीक है। इट अपियर्स इन चैप्टर 6 ऑफ पोएटिक्स, और इसी चैप्टर में ट्रेजेडी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ट्रेजेडी को कैसे डिफाइन किया है, इन द सेम चैप्टर ट्रेजेडी इज डिफाइंड
एज, ये ट्रेजेडी की आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, बहुत जरूरी है समझना, तभी कैथारसिस समझ में आएगा, ठीक है. एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्निट्यूड. एक तो ये डेफिनेशन दी गई है, पहली डेफिनेशन जो ट्रेजेडी की दी गई है, ठीक है. दूसरा एक चीज इसमें दिया गया है कि सीरियस कंप्लीट एंड सर्टेन मैग्निट्यूड, और आगे मैं उस डेफिनेशन को, क्योंकि लंबी है, आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, बस उसके आगे का एक लास्ट पार्ट लिख रहा हूं डैश डैश करके. ये डेफिनेशन चलती रहती है, पढ़ दूंगा अभी क्या है, और लास्ट में फिर वो कहता है कि जो सेकंड लास्ट लास्ट पोर्शन है, इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड, चलिए पूरा ही बता देता हूं, इन, जिससे आपको पूरा कनेक्शन फील हो उसमें, इन लैंग्वेज embellished with each kind of artistic ornament the several kinds being found in separate parts